नमस्ते साथियों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बनाने वाले गोभी का बकोसा, तो प्लीज़ मेरे साथ वीडियो बने रहिए और देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में तेल डाला है, तेल गर्म हो गया है। अब इसमें हमने पंचफोरन डाल दिया है, हमने इसमें लहसुन, हरा मिर्च और प्याज को भी डाल दिया। इसको थोड़ी देर भूनेंगे, फिर इसमें हमने गोभी जो कद्दूकस किया हुआ है, पहले से कद्दूकस करके रखे थे, इसको भी डाल देंगे और इसको कुछ देर तक भूनेंगे। जब ये अच्छे से भून जाए तब इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी डाल देंगे और नमक टेस्ट अनुसार। सबको अच्छे से मिला लेना है। ये देखिए हमने अच्छे से मिला लिया है और भून भी लिया अच्छे से। अब इसमें हम धनिया डाल देंगे, धनिया से फारी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सर्दियों में फारा बहुत ही पसंद था, बच्चों को तो और पसंद आता है। तो देखिए मैंने सबको रेडी कर लिया है। इधर मैंने चावल काटा लिया हुआ है, इसको गूंथ लेंगे। आटा में सख्त नहीं गूंथना है, थोड़ा ढीला ही गूंथना है ताकि ये चावल का आटा बाद में थोड़ा टाइट हो जाता है। ऐसे हम बड़ा सा लोई लेंगे और उसे चौके पे बेलन की सहायता से बड़ा सा रोटी जैसा बेल देंगे। ये देखिए थोड़ा सा आटा लगाएंगे और इसको बड़ा सा बनाएंगे। देखिए बना लिया। अब इसको गिलास की सहायता से गोल गोल काट कर निकाल लेंगे ताकि सारे फकोसे एक जैसे ही बने। तो ये देखिए हमने सबको काट लिया है, ऐसे ही सबको काट लेना है। अभी देखिए मैं आपको एक भर के दिखाती हूँ। बीच में रखना है और ऐसे मोड़ देना है, ज़्यादा अच्छे से चिपकाना नहीं, बस सट जाए उतना ही चिपकाना है। मैं दूसरा भर के दिखा दे रही, बस दोनों को आपस में चिपका देना है थोड़ा सा, बस हल्का सा प्रेस करना है, ज़्यादा नहीं। ये देखिए तो ऐसे ही हम सारे फारों को बना लेंगे। मुझे फारा ज़्यादा बनाना था तो मैंने देखिए दो थाली में रखा हुआ है। अब मैंने पतीले में पहले से मैंने गन्ने की खोई डाल दिया है, अब उस पर से मैंने कपड़ा से रख दिया है। पानी हमारा गर्म हो गया, इसमें मैं सारे फारों को डाल लूँगी। फारा डालते समय बीच बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए ताकि आपस में सटे ना। अब ये थोड़ा सा भाप लग जाए तो मैं दूसरा तह भी इस पर रख दूँगी। एक साथ रखने पे सट जाते हैं आपस में, इसलिए मैंने एक साथ नहीं रखा, बारी बारी से रखूँगी। अभी मैं दूसरा तह रख रही हूँ, तो दूसरा तह भी हो गया, इस पर मैं तीसरा तह रख दूँगी। जब भाप आ जाए तब तह बदलते जाते हैं, तो अब मैं भाप लग चुका है तो मैं तीसरा तह भी रख दूँगी। तो मैंने तीसरा तह भी देखिए रख दिया है। अब इसको मैं ढक दूंगी। इसी तरह मैंने चार तह रखी है और सबको मैंने अच्छे से पका लेना है। तो ये देखिए फारा हमारा पक चुका है, मैं आपको गूंथ कर दिखाती हूँ। अगर ये गूंथने पर उसमें नहीं सर चिपकता है तो समझ लीजिए फारा हमारा अच्छे से हो गया है। तो उसमें नहीं चिपक रहा था, फारा हो गया, फारा को उतार ले रहे हैं। फिर से मैं इस पर कढ़ाई रखूँगी। कढ़ाई को मैंने साफ कर लिया है क्योंकि फारा को हमें तड़का भी लगाना है। तो मैंने सारे फारा गमले से एक थाली में निकाल दिया है। ये देखिए इधर मैंने कढ़ाई रखा हुआ, कढ़ाई में तेल डालेंगे, सरसों डालेंगे। जब सरसों चिटकने लगे तो थोड़ा सा हींग डाल देंगे इसमें। अब इसमें जो मैंने फारा बनाया हुआ था सारे फारों को इसमें डाल दूंगी। तो ये देखिए मैंने सारे फारे इसमें डाल दिए और इसको हम 5 मिनट तक अच्छे से भून देंगे। ये देखिए मैंने भून दिया। अब इसमें मैं लाल चटनी डालूंगी, मीठी वाली है ये, और इसमें मैं तीखी चटनी डाल दूंगी, धनिया भी डाल दूंगी और सबको डाल से अच्छे से चला लेंगे। इससे फारा का टेस्ट क्या है कि और बढ़ जाता है, खाने में एकदम चटपटी टेस्टी लगती है। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए फारा फाइनल तैयार हो गया। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।